मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के भेलुअर गांव में ननिहाल में आए एक युवक की बारात बुधवार की साय जाने वाली थी। इसी बीच बहराइच जिले की रहने वाली युवती अपनी गोद में मासूम बच्चे को लेकर थाने में पहुंच गई और युवक द्वारा पूर्व में की गई शादी की बात बताई। पीड़िता की तहरीर को संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक ने युवक व उसके पिता को बुलाकर दूसरी शादी करने से मना कर दिया। पिता पुत्र को हिरासत में लेने से बारात ले जाने की तैयारियां फीकी रह गईं। जानकारी के अनुसार बहराई जनपद के रामगांव थाना अंतर्गत अंबेडकर नगर टेपरा सहा मोहम्मदपुर गांव निवासी प्रदीप कुमार पुत्र प्रहलाद प्रसाद मधुबन थाना क्षेत्र के भेलाउर गांव स्थित अपने ननिहाल से बुधवार की साय बारात लेकर थाना क्षेत्र के कमला नगर जाने वाली थी कि बारात निकलने से पहले ही उसकी प्रेमिका गोद में मासूम बच्चे को लेकर थाने में पहुंचकर आप बीती सुनाई। मामले को गंभीरता से भापकर थाना निरीक्षक नीरज कुमार पाठक ने पिता व पुत्र को दूसरी शादी करने से रोक दिया। इससे बारात जाने से पहले दूल्हा व उसके पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं प्रेमिका का आरोप है कि प्रदीप से 3 वर्ष पूर्व प्रेम संबंध स्थापित थे, जिसमें शारीरिक संबंध होने के चलते उससे एक बच्चा पैदा हुआ। प्रेमी की दूसरी शादी हो जाने की जानकारी पाकर बहराइच पहुंची हूं। इससे दूल्हे के हाथों में रचाई गई मेहंदी का रंग भी फीका पड़ गया। बारात जाने की तैयारी में बारातियों का उत्साह भी फीका पड़ गया। घर ले लिया और मैं उसके साथ रही और हमारा एक लड़का हुआ खत्म हो गया, दूसरा बच्चा है और दूसरी शादी कर रहे हैं। कौन कर रहा है दूसरी शादी? प्रदीप। कहाँ से कर रहे हैं? का आरोप लग रहे लड़की? साहब हमारे लड़के के साथ जो जबरदस्ती लोग शादी करना चाहते थे, लेकिन हम शादी करने से इनकार हो गए, इसलिए हमारे ऊपर इल्जाम रखा गया है। दूसरे का जन्म हुआ लड़का है। तो लोग बता रहे हैं कि पहले कोर्ट में शादी हो चुकी है। लोगों का कहना है कि पहले ही शादी हो चुकी है। कोर्ट शादी नहीं हुई है।